मोटरसाइकिल फरोख्त करनी है तो हेलमेट भी नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल की फरोख्त पर पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां हेलमेट मुनासिब पैसों पर फरोख्त करें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। ख्वाजा बरादरान के लिए झटका, कैसर अमीन बट ने रास उगल दिया। पैरागॉन के असल मालिक ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफीक हैं। नदीम जया सोसाइटी का अकाउंट चलाता है, मुझे बड़े तरीके से हटाया गया। कैसर अमीन बट की सेशन कोर्ट में एक बार फिर खामोशी से पेशी। 164 का बयान दिया। कैसर अमीन बट बाकायदा तौर पर ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। नैब की दरख्वास्त पर कैसर अमीन बट का 7 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। फेस नहीं केस देखते हैं, छोटा बंदा पकड़ा जाए तो शोर नहीं पड़ता, जैसे ही कोई बड़ा और अमीर शख्स हवालात में आए तो नैब अकूबत खाना बन जाता है। बाहर जाकर झूठी कहानियां सुनाते हैं। डीजी नैब शहजाद सलीम का अलहमरा में दबंग खिताब, बोले जो रास्ता हमने इख्तियार किया वो आसान नहीं। कभी चेयरमैन नैब पर तनकीद होती तो कभी डीजी को गालियां दी जाती हैं। शरीफ लोगों को नैब से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, करप्ट को डरना चाहिए। हथकड़ी वाले प्रोफेसर साहब कहते हैं जेल नहीं जाना, नैब में ही रखो, बाहर जाकर न जाने क्या हो गया। निजी नैब शहजाद सलीम की खरी खरी बातें, कहा नैब में 5 वक्त नमाज होती है और कुरान पढ़ा जाता है। एक मुलजिम सियासतदान तो 3 दिन में 27 सपारे पड़ गया। मुलजमान के लिए घर से मेन्यू के मुताबिक मर्जी का खाना आता है। 2-2, 3-3 बीवियां हैं, मुलाकात का एहतमाम भी करते हैं, फिर भी मीडिया मुस्बत बातें उजागर नहीं करता। डीजी नैब शहजाद सलीम फट पड़े, बोले सिर्फ रियासत के मुलाजिम है, किसी को जवाब दे नहीं। केस बनता होगा तो बनाएंगे, नहीं बनता होगा तो खत्म कर देंगे। कामयाबी तब मिलेगी जब ताकतवर का पहले कमजोर का एहतसाब बाद में होगा। करप्शन के खिलाफ हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नैब का मकसद अजीम तर है, करप्शन ही बुराई और नाकामी की जड़ है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरकार का तकरीब से खिताब। आशियाना इकबाल स्कैंडल में शहबाज शरीफ की 7वीं पेशी, जिस्मानी रिमांड देने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। शहबाज शरीफ 8 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का 13 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जेल हुकाम को शहबाज शरीफ का मेडिकल कराने का भी हुक्म। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ कैंप जेल से कोटलक पर जेल मुंतकिल। साबिक वजीर आला को एहतसाब अदालत से कैंप जेल लाया गया, वहां 15 मिनट रखने के बाद कोटलक पर जेल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुंतकली की गई। जेल हुकाम शहबाज शरीफ जमानत के लिए हाईकोर्ट से रजू करेंगे। वकील अमजद परवेज ने दरख्वास्त जमानत तैयार कर ली। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन की अदालत में दाखिल होने की कोशिश, रुकावटें और बैरियर्स हटाने के लिए ठुड्डे मारे। पुलिस का हालात कंट्रोल करने के लिए कारकुनों पर लाठीचार्ज। लीगी खवातीन की भी पुलिस एहलकारों के साथ धक्कमपेल। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। लाठी और गोली की सरकार नहीं चलेगी, लीगी कारकुनों की नारेबाजी। खबरदार मुझे रोका तो, खातून वकील ने आस्तीनें चढ़ा ली। खातून वकील का लेडी पुलिस एहलकार के साथ मैच, लातों और मुक्कों के बाद थक्कम पेल। पुलिस एहलकारों की बेच बचाव की कोशिश। मरियम औरंगजेब की अंडों के साथ एंट्री, पर आम कारकुनों पर लाठी चार्ज, काफिले मुसम्मत है। पुलिस गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करे।
इमरान खान शहबाज शरीफ के बोकस में मुब्तला है। सौरोस में सैफ अली मकान की चोरी पकड़ी गई। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। नून लीग के पुरअम मुजाहरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। हमारे कारकुन पुरअम थे, पुलिस ने इश्ताल दिलाया। मलिक अहमद खान परवेज मलिक बोले, पुलिस ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। मुजाहिरीन गले पड़ गए, पुलिस ने जवाब दिया। सब कुछ पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत हुआ, हमजा शहबाज ने हिदायत की। नून लीग लाशों की सियासत करना चाहती है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के खिलाफ फैसला दिया जिस पर उन्होंने गुंडागर्दी की। सूबाई वजीर इत्तला फियाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। शहबाज शरीफ और मसरूर अनवर के अकाउंट में 55 मिलियन रुपए मुंतकल हुए। नैब प्रोसिक्यूटर, ये मसरूर अनवर कौन है? अदालत का इस्तफसार। मसरूर अनवर शरीफ फैमिली का मुलाजिम है। नैब का जवाब, मसरूर अनवर कैश लेकर जाता है, स्मगलर नहीं, आशियाना से कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकाउंट से रकम निकलवाना जुर्म नहीं। 2011 से साल 2017 का टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज का जवाब। किसान बन गए चटान, गन्ने की क्रशिंग करो, खाद और बिजली की कीमतों में कमी करो। पंजाब भर के किसानों के ठोकर न्याज बेग पर डेरे, दूसरे रोज भी धरना। मुतालबात की मंजूरी तक घर नहीं जाएंगे, किसान डट गए। नए पाकिस्तान में भी नाबीना अफराद नौकरी के लिए दरबदर। बेरोजगारी के मारे नाबीना अफराद फिर सड़कों पर। कलमा चौक में धरना, मेट्रो ट्रैक बंद कर दिया, मुसाफिरों को मुश्किलात। मस्नूई महंगाई के जिम्मेदारों की जगह जेल है। आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, वजीर आला पंजाब का दबंग ऐलान। उस्मान बुजदार की जेर सदारत आला सतह का इजलास। मस्नूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। जिलाई प्राइस कंट्रोल कमेटीज को असर नौ तश्कील देकर फाल करने का फैसला। मॉडल टाउन जी ब्लॉक कब्रिस्तान में आहातों की मिसमारी के खिलाफ दूसरे रोज भी ऑपरेशन। मजदूर हथौड़ों कटर और भारी मशीनरी से आहाते मिसमार करने में मसरूफ। 80 आहाते मिसमार, 11 कैनाल अराजी वागुजार, 101 आहाते मिसमार किए जाएंगे। सदर लोहा मार्केट की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिर बरातरी सरापा एहतजाज। मुजाहरीन ने बदामी बाग रोड ब्लॉक कर दी। शेख कैदर हुसैन के खिलाफ झूठा मुकदमा, फौरी खत्म किया जाए, मुजाहरीन का मुतालबा। दुबई फ्लैट की तफसीलात जमा कराने का मामला, वजीर आजम की हमशीरा अलीमा खान ने एफबीआर से 10 दिसंबर तक मोहलत मांगी। सरफेस वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में अहम पेशरफ। एंग्रो कॉर्पोरेशन के वफ का वासा हेड ऑफिस का दौरा। एमडी वासा जाहिर अजीज ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वजीर सेहत पंजाब की जिला सदारत सूबाई पोलियो टास्क फोर्स का वीडियो लिंक इजलास। डीजी हेल्थ डॉक्टर मुनीर अहमद और पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स की इंसदादे पोलियो इकदाम पर ब्रीफिंग।